स्ट्रेस की बात की जाती है आज की लाइफ में, तो एक क्रिकेटर से ज्यादा स्ट्रेस किसने देखा जिसमें पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ होता है कभी कभी और उसमें आपको जाके खेलना होता है। तो ये जो स्ट्रेस, जो दूसरा स्ट्रेस है जीवन का स्ट्रेस जिससे लोग जूझते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरा तो फंडा ये था कि स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना आना चाहिए। मैं तो कोशिश ये करता था कि बॉलरों को स्ट्रेस दे दो पहली बॉल पे ही, चौका छक्का मार दो। मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि ज़िंदगी में जितना मिले उससे खुश रहना आना चाहिए। मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे मेरे फादर मदर मेरे दो हम दो भाई और दो बहनें थे, तो 6 बंदों के लिए 1,000 रुपये मिलते थे महीने के। तो उस 1,000 रुपये में गुजारा किया है, फिर वो 1,000 धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 5,000 रुपये हो गए, फिर वो 5,000 से वो 10,000 रुपये हो गए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो 1,00,000 रुपये हो गए एक, फिर वो और बड़ा प्लेयर बना तो 10 लाख हो गया, आज करोड़ है। लेकिन मेरी ज़रूरतें उतनी हैं जितनी मेरे 1,000 में थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों आ गए तो मेरी ज़रूरतें बदल गई, बट ये है कि मैं खुश हूँ। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इच्छाओं की सीमा नहीं है। सो आज अगर मेरे पास एक 500 गज़ के प्लॉट पे घर है तो मैं चाहूँगा यार 5,000 गज़ पे मिल जाए, या 50,000 गज़ पे मिल जाए, या अंबानी जैसा घर मिल जाए, या मेरा प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है। तो जितना अगर उसमें खुश है, उसमें आप खुश हो, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। वीरूपा जी, आपके दौर में आप सचिन पाजी, हम लोगों ने कवर किया, देखा है कि आपके कुछ टेक्निक में इशू होता था तो आप मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करते थे। आजकल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम जिम में ज़्यादा दिख रहा है। टाइम टाइम की बात है, टाइम बदल गया है। तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पर, जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है, जिम वाला काम कम आना। हाँ, जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल के बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ, वो ज़रूर है, वो होना चाहिए। लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना, तो मुझे वो करनी चाहिए। नहीं अलाउ करती, मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सरसाइजें करनी चाहिए। आई थिंक स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि बीच में इंडियन टीम में एक ट्रेंड ये भी आया था कि अगर आप यो यो टेस्ट फेल हो गए हो तो आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। दिग्गज खिलाड़ी वो टीम का पार्ट ही नहीं होते क्योंकि वो यो यो टेस्ट कभी नहीं पास कर पाते। तो वो समय स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज भी स्किल ही है। आपको मैच कौन जिताएगा, जो अच्छा खेलेगा वो जिताएगा, जो अच्छा भागेगा वो जिताएगा। सो भागने वाला अगर चाहिए तो फिर वो मैराथन में दौड़ा लो उसे, क्रिकेट खिलाने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है।